हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास नाइन्थ का टॉपिक नंबर सिस्टम लेकर। आज हम नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें अभी हम करने जा रहे हैं विजुअलाइज 3.7325 ऑन नंबर लाइन। यहाँ पर हम 1/10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस और 1/10,000th प्लेस, यानी कि दसवा, सोवा, हजारवा और 10,000वां हिस्सा जो होता है उसके हिसाब से मैग्निफाई करते हुए इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले ये नंबर 3 point something है, तो ये नंबर 3 से बड़ा हुआ और 4 से लेस हुआ, तो हम क्या करते हैं 3 और 4 को मैग्निफाई कर देते हैं। किस प्लेस पर? 1/10th प्लेस के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस प्लेस को हम बोलेंगे कि ये 3 है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने 10th प्लेस यहां पर बनाया हुआ है और हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास है 3.0, ये है हमारे पास 4.0, तो ये बन जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड सो ऑन, 3.8, 3.9। अब 3.7 से बड़ा नंबर और 3.8 से छोटा, 3.7 इधर है हमारे पास, तो हम इसको यहां पर ज्वाइन कर देंगे 3.7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3.8 को आप इधर ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, तो 3.7 डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पर आ गए हैं 3.70। अब ये वाला है 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और ये 3.8। अब आप नेक्स्ट प्लेस पर चलिए, 73 के बाद इंक्रीज कर रहा है, 3.73 ये रहा, आप इसको यहां मैग्निफाई इस तरीके से कर देंगे और नेक्स्ट प्लेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्लेस पर आप ले आएंगे 3.74 को, तो इस तरीके से ये एक बार और मैग्निफाई हो गया है 10 प्लेसेस लेते हुए। अब ये क्या है 3.73। अब हम इसको लिखने के लिए थोड़ा सा वर्टिकल लिखना शुरू करेंगे ताकि सभी आ सके, 3.730, 3.731, 3.732, 3.733, 3.734, 3.735, 3.736, 3.737, 3.738, 3.739 और 3.740। अब नेक्स्ट प्लेस के लिए 732 ये वाला मैग्निफाई होगा यहां से लेके यहां तक और ये 10th प्लेस के लिए 3.733 ये मैग्निफाई हो जाएंगे 10 प्लेसेस के लिए, तो ये वाला प्लेस हमारा क्या बनेगा 3.7320, 3.7320, 3.7321, नेक्स्ट 3.7322, 3.7323, ये वाला प्लेस 4 के लिए, ये वाला प्लेस 5 के लिए, 3.7324, 3.7325, यही तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो विजुअलाइज करते हुए नंबर लाइन पर हमने इसको प्रेजेंट कर दिया, ये होगा आंसर। सेम मैनर में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, दिस नंबर इज 2.79, 2 से बड़ा 3 से छोटा, 2 से बड़ा ये नंबर, 3 से छोटा ये नंबर, यहां कहीं बीच में फॉल करता है, मैग्नीफाई कर दीजिए 1, 2, 3, तो 2 तो सबसे पहले यहां पर ज्वाइन होगा 2, 3 के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में हम ले लेते हैं एक 10 प्लेस, 3 को आप इधर ज्वाइन कर दीजिए, तो ये नंबर आपके पास होगा 2.0, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और लास्ट में 3। अब हम मैग्नीफाई करेंगे 2.7, 2.7, 2.7 से बड़ा, 2.8 से छोटा, तो आप मैग्नीफाई करोगे 2.7 को ज्वाइन कर देंगे फर्स्ट से, तो ये बन गया 2.7 और लास्ट वाला प्लेस आपका 2.8। मैग्नीफाई करते हुए फर्स्ट प्लेस हमारा बनेगा 2.70 और अगला बनेगा 2.71, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79 और लास्ट में 2.80। ये नंबर हमारा 2.79 से बड़ा है तो 2.79 पर आप आ जाएंगे और लास्ट में 2.80, इसको आप मैग्नीफाई कर देंगे। फर्स्ट प्लेस आपके पास ये था, ये आपको ज्वाइन करना है 2.79 के साथ, तो फर्स्ट प्लेस हमारा बन जाएगा 2.790, 2.791, 2.792, 2.793, 2.794, 2.795, 2.796, 2.797, 2.798, 2.799 और यहां पर लास्ट में 2.800। अब आपका ये नंबर 791 यहां पर इससे बड़ा है तो आप फर्स्ट प्लेस को यहां पर ज्वाइन कर देंगे और आपका जो लास्ट नंबर है ये वाला 2.792 को इधर ज्वाइन कर देंगे क्योंकि अब आप इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं नेक्स्ट 10 प्लेसेस के लिए, तो आपका ये नंबर बन जाएगा 2.7910। नेक्स्ट होगा 2.7911। अगला आपका नंबर होगा 2.7912, 2.7913, 2.7914, 2.7915, 2.7916, 2.7917 और हमारा रिक्वायर्ड नंबर 2.7918। इस तरीके से आप कॉन्जिक्यूटिवली मैग्नीफाई करते हुए हर एक नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूं क्लास 9th का चैप्टर नंबर सिस्टम लेकर। आज हम इसमें सीखेंगे रेशनल नंबर्स जो कि टर्मिनेटेड या रिपीटेड फॉर्म में लिखे हुए हैं। मैं आपके सामने वैरायटी लेके आया हूं, डेसिमल के बाद वन डिजिट रिपीट करती है, डेसिमल के बाद वन डिजिट रिपीट करती है पर एक नॉन रिपीटिंग डिजिट के साथ। 0.6 3 बार 3 रिपीट करता है, 2.78 बार 2 डिजिट्स रिपीट करती है। हम इन सबको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना सीखेंगे आज। तो हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को सबसे पहले x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 5.7 बार। डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स रिपीट करी गई हैं हम उसको उतनी बार लिख लेते हैं, वन डिजिट है तो हम इसको लिखते हैं 5.77 बार। एक डिजिट रिपीट है एक बार लिख लिया और हम ध्यान ये रखते हैं कि डेसिमल वहां पहुंच जाए जहां से कि डिजिट्स रिपीट करती हैं। अगर डिजिट रिपीट नहीं करती हैं तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 और 100 कर डेसिमल को वहां पहुंचा देते हैं जहां पर कि डिजिट रिपीट कर रही हो। अब हम क्या करेंगे, कितनी डिजिट रिपीट करनी है, 1, तो हम उतनी जीरो वाला नंबर यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 वी गेट, हमको मिलता है 10x इज इक्वल टू 57.7 बार। अब देखिए डेसिमल के बाद सेवन बार, ये दोनों जगह सेम आ गया है। अब ये सब्ट्रैक्ट करते वक्त माइनस हो जाएगा इजीली, हमें क्या करना होगा, सेकेंड माइनस 1 वी गेट, इधर हमको मिला 10x
माइनस एक्स इज इक्वल टू 57.7 बार माइनस 5.7 बार, इधर आपको मिलता है 9x और इधर मिलता है आपको 52.7 रिपीटिंग 7777, इधर भी 0.7 रिपीटिंग 0.777 काफी दूर तक, तो दोनों के दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, 57 में से 5 गए 52 एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 52/9 एंड इट विल बी योर आंसर। तो पी वाई क्यू फॉर्म में ये होगा 52/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5.63 बार, इसको x लिख लेते हैं 5.63 बार। देखिए जो बार है वो डेसिमल के जस्ट बाद में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, वी गेट 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 10x इज इक्वल टू 56.3 बार। हमारा अल्टीमेटली क्वेश्चन वहां से स्टार्ट होता है जब डेसिमल जस्ट रिपीटिंग डिजिट या रिपीटिंग पेयर ऑफ डिजिट्स से पहले लिखा हुआ हो। अब क्या करेंगे, कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही है, 1, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम नंबर 1 कर लेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, वी गेट 10 इंटू 10 100x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 56.33 बार, था ना, आप इसको लिख सकते थे 56.33 बार, तो ये बन जाएगा 563.3 बार। नंबर 2 माइनस कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, आपको मिलता है 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 563.3 बार माइनस 56.3 बार, इधर तो आपको मिलता है 90x, इधर आपको मिलता है 0.3 से 10 बार से 0.3 बार कैंसिल हो गया, 563 में से आप 56 माइनस कर दीजिए, 13 में से 6 गए आपके पास बचे 7, 5 में से 5 0 और आपके पास 5, जो डेसिमल वाला पार्ट था वो तो पहले ही कटकर 0 आ जाता है, तो आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 507/90। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वैरायटी, डेसिमल के बाद दो डिजिट्स रिपीट करनी है, आप सबसे पहले x लिख लीजिए 2.78 बार 78 दोनों के ऊपर है, नंबर 1 मान लीजिए क्योंकि डेसिमल जस्ट रिपीटिंग से पहले है। अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दो डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, बिल्कुल सही बात, मल्टीप्लाई बाय 100, वी गेट, आप इसको लिख क्या सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2.78 और 78 रिपीट बार। ऐसा आप इसलिए करते हैं, आपको थोड़ा इजी लगता है 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद, डेसिमल टू प्लेसेस शिफ्ट हो गया, 78 रिपीटिंग, तो आपको मिलता है 100x इज इक्वल टू 278.78 बार। नंबर 2 आप माइनस कर देंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट वी गेट, आपको मिलता है 100x माइनस x इज इक्वल टू 278.78 बार माइनस 2.78 बार, डेसिमल पार्ट दोनों में सेम है, कैंसिल हो गया, 278 में से 2 गए 276, और इधर बचता है 99x, देन x विल बी इक्वल टू 276/99, ये आपका आंसर आता है।